पटना जिले के मोकामा नगर थाना क्षेत्र के सकरवार टोला से लापता मां बेटी की तलाश की कमान अब एसडीआरएफ ने संभाल ली है। एसडीआरएफ की टीम को मोकामा के हाथी देह से लेकर मुंगेर तक मां बेटी की खोजबीन करने का निर्देश दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि पप्पू साफ की बीवी रानी देवी और पुत्री रश्मि रानी ने गंगा नदी में राजेंद्र सेतु से छलांग लगा दी। पुलिस के अनुसार दोनों मां बेटी पिछले 30 जुलाई से ही घर से गायब हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रानी देवी और रश्मि रानी ने गंगा नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। मां बेटी का राजेंद्र पुल पर से डूब जाने का सूचना मिला स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा दिया गया, जिसके बाद हम लोग एसडीआरएफ की टीम को बुलवाया है और खोज बीन कर रहे हैं। गंगा किनारे जो भी अगल बगल में और दूसरे जिलों में भी जो थाना है उनसे भी संपर्क करके उसकी सूचना दी गई है। अगर किसी भी प्रकार का जानकारी मिलता है तो उनको भी शेयर करने का अनुरोध किया गया है। इससे हम लोग गंगा जी में खोजबीन कर रहे हैं एसडीआरएफ के माध्यम से। अभी तक ऐसा कुल अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि गंगा जी में काफ़ी पानी है और काफ़ी तेज करेंट, थोड़ा सा परेशानी तो हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गुस्सा से घर से निकल गई सर शनिवार को। कौन कौन? मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है। क्या उम्र रहा होगा दोनों का? पत्नी का लगभग 49-50 बरस के आसपास और बेटी का उम्र होगा लगभग 19 साल। कैसे मालूम कैसे चला कि यहाँ पुल से? मैंने हम लोग तहकीकात करने के लिए 3-4 दिन आए लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग बताए कि वहाँ चप्पल मिला है तो चप्पल मोबाइल के फेसबुक पर था, उसी के आधार पर हम आए देखने के लिए। तो हमको लगता है कि हम तो चप्पल देखते ना, तो हमको अंदाज लगता हो सकता है उसी का चप्पल हो। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? हाँ, प्रशासन का भरपूर सहयोग। एसडीआरएफ खोज रही है? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार है। तो क्यों कूदी? ऐसा कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था, विवाद? ऐसा कोई झगड़ा तो नहीं होता है, आज तक हुई है नहीं कभी झगड़ा हमको।